हेलो स्टूडेंट्स, अपन पिछले तीन चैप्टर्स या तीन लेक्चर्स में अपन क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अपन कैसे उसको लैंड प्रिपेयर की जाए, कैसे सीड साउंड किया जाए, कैसे उनको ग्रो किया जाए, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग मीन्स कि जब जो क्रॉप है वो बड़ी हो जाती है या प्रिपेयर हो जाती है तो अपन को उसको कट करना होता है और उसको स्टोरेज करना होता है। मतलब कि क्रॉप कट करना और उसको स्टोर करने का जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं हार्वेस्टिंग। वंस द क्रॉप रिपन इट नीड टू बी गैदर्ड एंड स्टोर्ड। जब एक क्रॉप जो है वो रिपन हो जाती है, मतलब पक जाती है, तो उसको गैदर्ड करना और स्टोर्ड करना जो है वो पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ये जो कटिंग और गैदरिंग का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हार्वेस्टिंग। वी कैन हार्वेस्ट क्रॉप्स आइदर मैन्युअली और विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक शिकल और विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ये जो हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको अपन मैन्युअली भी कर सकते हैं, जैसे खुरपी वगैरह से लेके या कटाई करने वाली चीज़ों से लेके, और एक मशीन भी इसके लिए आती है जिसको अपन हार्वेस्टर बोलते हैं। हार्वेस्टर कट करके और एक जगह गैदर कर देता है। आफ्टर दे आर गैदर्ड, जब उनको गैदर कर लिया जाए, द ग्रेन्स हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क। मतलब जब अपन फसल को काटते हैं, क्रॉप को कट करते हैं, तो उनके प्लांट्स के साथ में उसको कट कर लेते हैं, तो प्लांट्स और ग्रेन्स जब दोनों साथ में होते हैं तो उसको बोलते हैं हस्क। फार्मर्स डू शो बाई द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। और उस हस्क से ग्रेन्स को सेपरेट, मतलब प्लांट्स से ग्रेन्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं थ्रेशिंग। एंड देन विनोइंग, विनोइंग का मतलब ये होता है जब अपन ग्रेन सेपरेट करते हैं उसके अंदर ही कुछ कुछ पार्ट जो है वो प्लांट्स के भी आ जाते हैं, तो मतलब कुछ टुकड़े आ जाते हैं, लकड़ी के से टुकड़े आ जाते हैं जिनको अपन बोल सकते हैं कि उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करने को बोलते हैं विनोइंग। यू हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट दीज इन क्लास सिक्स। क्लास सिक्स में अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस बाई विच द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्क। थ्रेसिंग वो प्रोसेस है जिससे अपन ग्रेन्स को हस्क से सेपरेट करते हैं। दिस इज डन मैनुअली बाई बीटिंग द स्टाल ऑफ रैप ग्रेन्स ऑन द सरफेस। अपन क्या कर सकते हैं, जो गैदर्ड हस्क है उसको अपन ज़मीन पे मारें तो क्या होगा, उसके जो ग्रेन्स है वो लूज़ हो जाएंगे और वो अलग सेपरेट हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू लूज द ग्रेन्स और इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड थ्रेशर। और ये एक मशीन से भी यूज़ किया जा सकता है जिसको अपन थ्रेशर बोलते हैं। जनरली आजकल ये थ्रेशर से ही किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता है। ए कम्बाइन हार्वेस्टर कैन बी यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। एक ऐसी मशीन भी आती है जो कट भी एक साथ ही करती है और थ्रेशिंग भी एक साथ ही करती है। मतलब खड़ी जैसे जो है खेत में कोई भी अगर फसल है या क्रॉप है वो अगर खड़ी है उसको कट भी करेगी, साथ में उसको थ्रेशिंग भी कर दी जाएगी। मतलब अपने को केवल ग्रेन्स ही मिलता जाएगा डायरेक्टली। विनोइंग कैन बी डन मैनुअली और बाई यूजिंग ए विनोइंग मशीन। विनोइंग जो है वो मतलब ग्रेन्स को और सही तरीके से लेना या उसमें जो लकड़ी के टुकड़े वगैरह हो गए उनको भी अलग करना, उसको अपन मैन्युअली भी कर सकते हैं या एक मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं विनोइंग मशीन। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को शायद। आप लोगों ने इन डायग्राम्स में अगर अपन थ्रेशिंग देखें और विनोइंग देखें तो अपन ये चीज़ जान सकते हैं कि थ्रेशिंग और विनोइंग कैसे होता है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स। स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स मतलब हार्वेस्टेड क्रॉप्स को स्टोर करना। आफ्टर विनोइंग द ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड नीड टू बी स्टोर्ड टिल दे आर सेंट टू द मंडीज। जब उसको मंडी में भेजने से पहले अपन को उनको क्या करना पड़ता है, स्टोर करना होता है। ग्रेन्स को क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। मंडी क्या होती हैं, बहुत बड़े बिग मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर ये बेचा जा सकता है। द ग्रेन शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड ड्राई प्लेसेस टू अवॉइड स्पॉयलेज। ग्रेन्स को अगर जब अपन को स्टोर करना है तो उनको क्लीन और ड्राई प्लेसेस पे स्टोर किया जाता है जिससे कि स्पॉयलेज ना हो, मतलब वो ख़राब ना हो। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर फर्स्ट ड्राइड इन द सन।
सबसे पहले जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं उनको सुखाया जाता है सनलाइट में एंड देन वेन एंड स्टोर इन बैग। देन उनको क्या किया जाता है, एक जगह इकट्ठा करके और बैग्स में स्टोर कर दिया जाता है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स ऑन ए लार्ज स्केल इज डन इन स्पेशल एरियाज कॉल्ड ग्रेनरीज। मतलब अगर अपने पास में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन्स हैं या अनाज है तो अपन उनको स्पेशल एरियाज में स्टोर करते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या होती हैं, वो कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे स्पॉयलेज का ध्यान रखा जाता है, मतलब स्पॉयलेज को अवॉइड किया जाता है पूरी तरीके से। एंड सिलोस मतलब बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, ठीक है। ग्रेनरीज मतलब बहुत बड़े गोदाम टाइप बनाए हुए रहते हैं, उनके अंदर इसको स्टोर कर दिया जाता है बिफोर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट फॉर सेल। इनको मार्केट में सेल करने से पहले ग्रेनरीज या सिलोस में जो है क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ मॉइस्चर एंड पेस्ट। अगर अपन को इनको स्पॉयलेज से बचाना है तो अपने को इन प्लेसेस को कैसा रखना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा, जहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, ये काम होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस चैप्टर को कम्प्लीट कर लेंगे।